बहुत पोलाइट है यहाँ के लोग, मतलब बिल्कुल सीधे, कुछ नहीं बोलते, किसी से कोई लेना देना नहीं है, आराम से अपनी मस्ती में The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. गाइज गुड मॉर्निंग, दिस इज निकिता, वेलकम बैक टू माई चैनल एक्सप्लोरर निकिता। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज चिमई म्यूजियम जाके आती हूँ। तो चिमई म्यूजियम में जाऊँगी बाई ट्रेन, मेरे रेजिडेंस से ट्रेन जाती है बावन तक, वहाँ तक मैं ट्रेन से जाऊँगी। उसके बाद आई थिंक नियर 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, उसी को मैं एक्सप्लोर करूँगी। बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा आज चिमई म्यूजियम जाके आती हूँ और आपको भी मेरे साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। है एक म्यूजियम है, लेकिन इसमें आर्ट से रिलेटेड भी है और स्कल्पचर्स भी है, म्यूज़िक से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हैं, और इसको एक्सप्लोर करते करते ही मुझे काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को, और देख के बताना ज़रूर कि आपको चिमई म्यूजियम कैसा लगा। बारिश तेज होने के बाद में सडनली इतनी तेज धूप निकली, मैं जब ट्रेन में थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ह्यूमिड होती है ना, बाहर ऐसे दिन में तो निकल ही नहीं सकते हो। वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, वो है चिमई म्यूजियम। निहाओ, वन कोका कोला, कोका कोला दिस, ओके, या हाउ मच, ओके थैंक यू। नो नो, एक्चुअली अभी जब मैंने कोक लिया था तो यहाँ के लोगों को क्या थोड़ा बुरा लगता है, ये लोग दोनों हाथ से पैसे देना और लेना प्रेफर करते हैं, बैगिंग के अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं ये, तो उसको थोड़ा ऐसा बुरा लगेगा, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं पैसे निकाल रही थी, तो थोड़ा उसको बुरा तो लगा, बट ठीक है। बहुत पोलाइट है यहाँ के लोग, मतलब बिल्कुल सीधे, कुछ नहीं बोलते, किसी से कोई लेना देना नहीं है, आराम से अपनी मस्ती में मस्त है। चिमई म्यूजियम की एंट्रेंस, चिमई म्यूजियम को 1992 में चिमई कॉरपोरेशन के जो फाउंडर है शी वैंग लॉन्ग ने बनवाया था। पहले इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो चिमई कॉरपोरेशन में हुआ करती थी, उसके बाद में इसको 2014 में यहाँ बनाया गया इस बिल्डिंग को, और देन 2015 में इसको पब्लिक के लिए स्टार्ट कर दिया गया। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वायलिन कलेक्शन देखने को मिलेगा। इस म्यूज़ियम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज़ म्यूज़िकल, सेकंड इज़ आर्ट गैलरी जिसमें पेंटिंग्स भी हो गया, फिर इसमें आर्म्स एंड वेपन्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। My party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scar.
里面不能录影哦。 No filming inside. Photo? You can take photo but no filming. Yeah, okay, okay. Thank you. इस रोडिन गैलरी में रोडिन का उसके टीचर्स उसके कंटेम्प्रेरीज एंड असिस्टेंट्स द्वारा किया गया आर्टवर्क को असेंबल किया हुआ है. स्कल्पचर हॉल में एंशियंट ग्रेशियो रोमन पीरियड से 20th सेंचुरी तक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री के स्कल्पचर्स को डिस्प्ले में रखा गया है. नेचुरल हिस्ट्री में एनिमल टैक्सीडर्मी को डिस्प्ले किया गया है. टैक्सीडर्मी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स फॉर डिस्प्ले और स्टडी. इट मीन्स एनिमल की आउटर स्किन्स को साइंटिफिकली प्रिजर्व करके उसको डिस्प्ले या फिर स्टडी के पर्पज से रखा गया है. फॉसिल सेक्शन में ह्यूमन एवोल्यूशंस वैरायटी ऑफ नेचर एवोल्यूशन को पांचों कॉन्टिनेंट से कलेक्ट करके यहाँ एग्जिबिट किया गया है. ये डायनासोरस के ओरिजिनल एग्स है. जैसा इनको अर्थ से मिला वैसा ही यहाँ प्रिजर्व करके इसको म्यूजियम में रख दिया गया है. आर्म्स एंड आर्मर सेक्शन में जो क्रिटिकल बैटल्स हुई थी उस टाइम की जितने भी टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो स्टोन एज से लेकर लास्ट जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उस टाइम की सारे वेपन्स स्वॉर्ड्स आर्म गार्ड्स एंड उनकी बैटल्स में यूज आने वाले और भी जितने हथियार थे वो सारे एग्जिबिट किए गए हैं. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. वैसे जब मैं इस म्यूजियम में एंटर करी थी इसमें काफ़ी बहुत सारी चीज़ थी देखने के लिए. पेंटिंग्स थी एंड फाइन आर्ट्स थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, एनिमल्स स्कल्पचर्स थे, आउटर स्किन रहता है ना वो भी था. बट हाँ, एक जगह मुझे ऐसा लगा जहाँ पर वेपन्स और ये रखे हुए थे. जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल था ना उस टाइम के काफ़ी सारे आप मतलब हर अलग अलग जो हमारा रूलर मुगल के टाइम का भी था, हमारे जो हिंदुओं के राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम के भी थे. बट जो ब्रिटिश एम्पायर था ना उसने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी वेपन्स रखे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी कुछ वहाँ से इंडिया से लेकर और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को सेल आउट कर दिया. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमारी इंडिया में कितनी सारी चीज़ें देखने को थी. स्पेशली मुझे पार्ट ऐसा था जहाँ पर महाराणा प्रताप का आम घाट को हम बोलते हैं उनका कवच वो रखा हुआ था. उसके ही पास में उन बहुत सारी तलवारें भी रखी हुई थी. उन पे मेंशन है कि कहाँ से ली गई है वो. जैसे राजस्थान में राजा महाराजा रूल करते थे ना उनकी जो तलवारें होती थी वो रखी हुई हैं. मेवाड़ रीजन जो है वहाँ की तलवारें भी रखी हुई है. मेवाड़ में बहुत सारे एरिया आते हैं राजस्थान में और जयपुर साइड की भी रखी हुई है. बट कुछ नहीं, जो भी है अच्छा है, वो भी किसी अच्छे पर्पज़ के लिए ही रखी हुई है. स्पेशली जो 17th to 19th सेंचुरी थी ना इंडिया में उस टाइम की रखी हुई है.
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. टाइम हो गया है 6:30, 6:48 की मेरी ट्रेन है. अगर पहुंच गई ऑन द टाइम तो मैं ट्रेन पकड़ लूँगी. ट्रेन स्टेशन पर पहुंच के फिर बात करती हूँ मैं. पहले एक बार स्टेशन पहुंच जाऊँ. अगर ट्रेन मिस हो गई तो फिर कोई चांस नहीं है, मुझे लेट हो जाएगा. तो ये था मेरा आज का दिन. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जितना हो सके उतना प्यार दीजिएगा एंड कमेंट करके आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. 6:48 वाली ट्रेन तो मेरी निकल गई. अभी जब मैं ये ब्रिज क्रॉस कर रही थी तब देखा मैंने, चली गई. अब मुझे वेट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मिल जाए इतनी बाकी सारी. होपफुली नेक्स्ट ट्रेन है जो आई थिंक है ना 7 बजे वाली, तो वो मिल जाएगी. जल्दी से लेती हूँ. और ट्रेन का प्रोसीजर क्या होता है वो भी देख लेना आप, है ना, मेरे साथ. अभी जो मैं हूँ वो है बाउआन ट्रेन स्टेशन. बहुत जल्दी जल्दी भाग के आई हूँ मैं. 7:08 पर आ जाएगी. चलो अभी टाइम है मेरे पास में, 56 हुआ. टाइम भी सेव हो जाता है. आपको कहीं भी जाना होता है तो जहाँ से एंट्री गेट होता है वहाँ भी टैप कर दो, और जहाँ आपका फाइनल डेस्टिनेशन होता है वहाँ भी उस कार्ड को टैप कर दो, तो उसी में से आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है. टाइम सेव हो जाता है ना, उससे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है. आप अगर लेट भी हो रहे होते तो इतना यूँ नहीं रहता, फटाफट से कार्ड को टैप करो और जल्दी से अपनी ट्रेन की या बस की साइड में भाग जाओ, तो उससे जल्दी जल्दी आप ट्रेन भी ले सकते हो. जैसे अभी मेरे साथ में हुआ, एक ट्रेन मेरी मिस हो गई. अगर टिकट विंडो पे जाती मैं तो शायद मैं काफ़ी और लेट हो जाती.